तो हेलो नमस्कार, आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे विशेष टॉपिक के बारे में जिससे आप जानकर बेहद हैरानी में पड़ जाएंगे कि तैयारी करें कैसे। और तैयारी करने के जो सिलसिला है ना, वो आपको यहाँ बता दें क्या करें, कैसे करें, कितना करें, कब तक करें नए सिलेबस की तैयारी। इससे पहले हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहे थे, इसका रीज़न ये है कि गला में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था आवाज़ संबंधित। अब मुझे लगता है कुछ ठीक ठाक है, आवाज़ अब क्लियर आ रहा है कुछ पहले की अपेक्षा। तो इसी सिलेबस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम देखते हैं कि नए स्टूडेंट अपने अपने क्लास को चेंजिंग कर चुका है, मतलब जो 8 में था वो 9 में गया है, 9 वाला 10 में, 10 वाला 11 में, 11 वाला 12 में, 12 वाला ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं। तो नए क्लास की शुरुआत हम कैसे करते हैं, उसी पर आज पूरा वीडियो हम ए टू जेड बात करने वाले हैं। आप ये पूरा प्रोसेस पढ़ने के बाद आप खुद से डिसाइड करना और एक सपना देखना कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कब तक करेंगे, क्या मिलेंगे, क्या अचीवमेंट होगा मुझे। और मैदान में जब उतर ही रहे हो, जब नए क्लास में उतर ही रहे हो, इसे हम मैदान बोलेंगे, नए क्लास को मैदान एगो ग्राउंड बोलेंगे, क्योंकि उसमें आप युद्ध करने वाले हो, साल भर युद्ध करोगे, तब जाकर एनुअल पेपर होगा, वार्षिक पेपर होगा, तब आपका अपना परफॉर्म दिखाओगे, ठीक है। जब मैदान में उतर ही गए हो तो डरना क्या, हार जाओगे तो कोशिश पर फक्र तो करोगे और जीत जाओगे तो जश्न मनाओगे। तो इससे डरना नहीं है, नए कक्षा की शुरुआत हो रहा है, पूरा जश्न के साथ पूरा धूमधाम से शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले अपने अपने कक्षा की सिलेबस देखो, अपनी कक्षा की सिलेबस देखो कि इस कक्षा में 9 में 10 में 11 12 में क्या पढ़ना है, सिलेबस का पूरा ए टू जेड जानकारी लेना। इसके बाद हम बताएंगे अलग अलग क्लास का अलग अलग सिलेबस, वो पूरा ए टू जेड सिलेबस की बात कर लेना, ठीक है। हम स्पेशली यदि 10 की बात करें 12 की बात करें तो देखो बाबू, एक दिन में कोशिश करो 2, 3 या 4, हो सके तो 3, हो सके तो 4, अपने क्षमता के अनुसार। यदि आपके पास ज्यादा कैपेसिटी है, स्टेमिना है बैठने का, तो ज्यादा से ज्यादा घंटा तक पढ़ सकते हो। कोई लड़का ऐसा होता है कि 5 घंटा 3 घंटा में एकदम उब जाता है, लगता है उसका कलेजा दर्द करने, दुखाने लगता है, तो उठकर भाग जाता है। तो उस स्टूडेंट को कम से कम दो किताब और डेली बाय डेली पढ़नी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। जिसको लगता है कि हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, बिहार बोर्ड में अच्छा करने वाले हैं, तो उसको 3-4 सब्जेक्ट एक साथ लेकर चलना होगा, कम से कम 3 को तो जरूर लेकर चलना होगा। जैसे हम 10वीं की बात करें तो गणित लेकर चलो, गणित मैथ लेकर चलो, साइंस में फिजिक्स चल रहा है और रात में हिंदी चल रहा है, ये 3 को विषय में हर हालत में लेकर चलने चाहिए बाबू। मैथ, फिजिक्स और हिंदी, ये 3 इतना बेहतरीन तरीकों से तैयारी करो कि आने वाले समय में हमें दोबारा पलट कर देखने की आवश्यकता ना पड़े। यदि आवश्यकता पड़े तो केवल एक बार उलाटे तो हमारा पूरा तैयारी, मतलब एक बार उलाटे तो हमारा पूरा का पूरा रिवीजन हो जानी चाहिए। ऐसे तैयारी करो, और ऐसे तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा जूझना पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। कैसे करोगे, सबसे पहले उस पाठ का कंप्लीट सिलेबस करना। जैसे हम मैथ की बात करें, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, जो भी पाठ हो रहा है, तो कोशिश करो हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसका फेयर बनाओगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयारी करते रहोगे। ऑब्जेक्टिव भी करना है साथ में सब्जेक्ट भी करना है, नोट्स जब बनाओगे तो। ऑब्जेक्टिव क्या करो, ऑब्जेक्टिव की किताब मार्केट में मिलता है, या फिर अपने सीनियर से कोई ऑब्जेक्टिव की किताब मांग सकते हो तो वहाँ से आसानी से मिल सकता है। तो ऑब्जेक्टिव की किताब चैप्टर वाइज बनाने का प्रयास करो, सॉल्व करो। मैथ की बात करते हैं या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री या कौनो भी विषय की तैयारी करते हो, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना पड़ेगा। दूसरा बात है सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव हम जितना लिखवाते हैं ना उतना ही करना होगा, एक्स्ट्रा करोगे तो और बढ़िया बात है, और कम से कम करोगे तो हम जितना कहते हैं उतना तो जरूर करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव की बात है। जब ये दोनों नोट्स तैयार कर लोगे, ऑब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज बना लिए हो, सॉल्व कर लिए हो, याद कर लिए हो, सब्जेक्टिव जितना लिखवाए हो वो भी याद कर लिए हो, सॉल्व कर लिए हो, याद कर लिए हो, नोट्स बना लिए हो, उसके बाद आया टेस्ट। टेस्ट दो पूरा तैयारी के साथ, पूरा अपना 100% लगाकर टेस्ट दो। टेस्ट में पूरा नंबर लाने की कोशिश करो, चेष्टा करो। यदि नहीं आ रहा तो घर पर उसे और प्रैक्टिस करो, ये तब तक प्रैक्टिस करो जब तक हर एक क्वेश्चन से वाकिफ ना हो जाओ। इतना करने के बाद तब अंदर से एहसास जगेगा, एक प्रकार के मोटिवेशनल बात निकलेगा, वाह बेटा अब तू लगता है कि कुछ कर सकता है। देख बाबू, सपना यदि बढ़ा देते हो ना तो उतना औकात नहीं होनी चाहिए पूरा करने के लिए। और जब जब डीमोटिवेट हो जाओगे उस सपना को याद करना, सोचना जब तुम्हारा यही दशा था तो इतना बड़ा सपना देखा ही क्यों, खुद से पूछना, फिर से मोटिवेट हो जाओगे, जाग जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा पाठ जरूर करना हो, जब जब तुम्हारा बाबू कौनो भी, चाहे हिंदी के, चाहे फिजिक्स के, चाहे मैथ के, कौनो भी चैप्टर खत्म होता है, जो भी विषय का चैप्टर एक खत्म होता है, कौनो भी चैप्टर खत्म होता है, तो ये स्ट्रेटजी जरूर अपनाना। इस स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं तुम अपना मुकाम जरूर हासिल कर लोगे। दूसरा बात कि एक दिन में कम से कम 3 को विषय जरूर पढ़ना होगा,
अगर ज्यादा स्टेमिना है तो 4 विषय पढ़ सकते हो, अगर कम स्टेमिना है, पढ़ने की क्षमता कम है, ज्यादा लंबा समय तक नहीं बैठ सकते हो तो 3 को भी कर सकते हो। और ज्यादा टाइम है, माता पिता अगर कह रहे हैं कि टाइम बेटा बेटी के पास बहुत ज्यादा है, तो कोशिश करो कि 4 विषय ले लो। ठीक, दूसरा बात, अगर स्कूल टाइम की बात करोगे, स्कूल टाइम की बात, तो स्कूल में अगर टाइम मिलता है तो स्कूल में पेपर सॉल्व करो जो बोर्ड बिहार बोर्ड का होता है वो वाला, या फिर अपने जो नोट्स बनाए हो सब्जेक्टिव चाहे ऑब्जेक्टिव उसे दोहराने का प्रयास करो। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जब भी स्कूल में टाइम मिलता है उस बचे टाइम में अपना तैयारी कर सकते हो। वहां जाकर रैगिंग मत करना, इधर उधर की बात मत करना। इधर उधर की बात करने का मतलब ये होता है कि टाइम अपना बर्बाद कर रहे हो। जो लड़का टाइम बर्बाद करता है वो किसी और का नहीं होता है, तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। दूसरा बात यहाँ लिखा है क्या करें, तो क्या करो, अपने सिलेबस पर ध्यान दो। सिलेबस पर ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिक अपना लक्ष्य बनता रहेगा। कैसे करें, तो सिलेबस की तैयारी कैसे करोगे, अपना टाइम निकालो, सुबह में टाइम मिले, शाम में टाइम मिले, रात में टाइम मिले, दिन में मिले, जब जब टाइम मिले तब तब सिलेबस को दोहराते रहो। कितना घंटा, अब अपने स्टेमिना के ऊपर निर्भर करता है, आपके पास जितना समय मिलता है उतना समय दीजिए, उतना ही अच्छा है। कब तक, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। जब तक रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन करने से फायदा ये होता है कि लंबे समय तक याद रहता है, इतना काम तो करना ही पड़ेगा। तब जाकर ये पता चलेगा कि हर एक स्टूडेंट जो नई कक्षा में प्रवेश कर रहा है उस कक्षा में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। यदि अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दूसरे लड़कों की अपेक्षा नीचे रहोगे। यदि ऊपर होना चाहते हो तो जो बताया गया स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी या फिर रणनीति को पालन करो, तब तो 1 नंबर पर आ सकते हो। ओके, थैंक यू।